हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई एम अभिषेक सक्सेना और हम लोग पढ़ रहे हैं हाइड्रोजन। और आज हम इस चैप्टर को खत्म कर देंगे बच्चों। बहुत मतलब लगभग हमने कौन से टॉपिक कवर किए। पहले तो हमने डाइहाइड्रोजन के बारे में बात की, उसकी प्रॉपर्टीज, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, उसके यूजेस, उसके डिटेल, स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है। देन उसके बाद हमारा सेकेंड कंपोनेंट था वाटर। वाटर के बारे में हमने उसका स्ट्रक्चर, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी एंड यूजेस के बारे में बात की। देन लास्ट हमारा टॉपिक चल रहा था पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2। उसमें भी हमने पेरोक्साइड की फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टीज एंड यूजेस की बात की। अब ये चैप्टर खत्म करने से पहले कुछ बेसिक पॉइंट्स है जो छोटे छोटे टॉपिक्स है और इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, इसलिए हम इसे कवर कर रहे हैं। जैसे कि हैवी वाटर। हैवी वाटर मतलब हमने जब डाइहाइड्रोजन के बारे में पढ़ा था तब हाइड्रोजन के हमारे पास तीन आइसोटोप थे, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम। तो प्रोटियम इज मैक्सिमम प्रेजेंट, 99.9% प्रेजेंट होता है हमारे नेचर में। सेकेंडली ड्यूटेरियम इज वेरी लेस एंड ट्रिटियम तो रेडियोएक्टिव है तो वो तो नेग्लिजिबल प्रेजेंट होता है, इसलिए ट्रिटियम का हम नहीं पढ़ते। लेकिन ड्यूटेरियम के बारे में हमें थोड़ा सा पढ़ना होता है कि ड्यूटेरियम से जो वाटर बनता है, देखो वाटर मतलब H2O, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से वाटर बनता है। तो हमारे पास अगर हैवी हाइड मतलब ड्यूटेरियम ने अगर ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके वाटर बनाया तो उसे वाटर को हम कहते हैं हैवी वाटर। बात समझो बच्चों, व्हाट इज हैवी वाटर, इन विच हाइड्रोजन का कौन सा आइसोटोप ड्यूटेरियम आइसोटोप ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड फॉर्म करेगा, उसे हम हैवी वाटर कहते हैं। हैवी मतलब क्यों बोला होगा हैवी, सोचो बच्चों कि जो 1H1 होता है उसमें एक भी प्रोटॉन नहीं होता और दिस इज 1D2, यहां पर एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन भी होता है, तो इसका मास इस नॉर्मल हाइड्रोजन से मतलब प्रोटियम से ज्यादा होता है, इस वजह से हम इसे हैवी वाटर कहते हैं। अब सबसे पहला पॉइंट आता है, जैसे कि सभी केमिकल प्रॉपर्टीज में जब हम पढ़ते हैं तो सबसे पहला प्रिपरेशन। तो एज सच आपको इस प्रिपरेशन की ज्यादा डिटेल के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए। हैवी वाटर को प्रिपेयर करने के लिए हमारे पास दो टेक्निक है। पहला टेक्निक है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। तो देखो बच्चों, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर मतलब जब हम वाटर को बहुत ज्यादा देर तक इलेक्ट्रोलाइसिस करें तो उसके बाद उस कंटेनर में हमारे पास थोड़ा सा पानी बच जाता है, तो वो जो रिमेनिंग वाटर रहेगा वो रिमेनिंग वाटर हैवी वाटर रहेगा, क्योंकि हैवी वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस नहीं होता बच्चों। एक्सट्रीम इलेक्ट्रोलाइसिस करने के बाद जो कंटेनर में वाटर बच जाता है उसे हम हैवी वाटर कहते हैं। इसका मतलब यही हुआ कि हैवी वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस नहीं पॉसिबल है। उसके बाद दूसरा तरीका, जो इंडस्ट्रियल पर्पस में हम हैवी वाटर प्रोड्यूस करते हैं बच्चों, वहां पर हम कैसे प्रोड्यूस करते हैं, फर्टिलाइजर का जहां प्रोडक्शन होता है तो बाय प्रोडक्ट हैवी वाटर मिलता है, तो बाय प्रोडक्ट इन प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर। तो ये दो मेथड आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं कि ये जो हैवी वाटर है इसे हम यूज कहां करते हैं बच्चों। तो कहां यूज करते हैं इसे, सबसे इंपॉर्टेंट रूप में वी यूज इट इन द न्यूक्लियर प्लांट्स। कहां यूज करते हैं हम लोग, यूज इट इन द न्यूक्लियर प्लांट्स। न्यूक्लियर प्लांट्स में हम क्या करते हैं, देयर इज न्यूक्लियर रिएक्शंस, बहुत ज्यादा टेम्परेचर, वेरी हाई टेम्परेचर पर रिएक्शंस होगी, न्यूक्लियर फ्यूजन हो या फिर फिशन हो, देयर इज अ वेरी हाई टेम्परेचर। तो वो टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए हम वहां पर हैवी वाटर यूज करते हैं, नॉर्मल वाटर नहीं यूज किया जाता, तो इसलिए यूज एज मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर। तो न्यूक्लियर रिएक्टर में हैवी वाटर को यूज किया जाता है टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए। मैंने यहाँ कूलिंग लिखा है तो उसी का मतलब होता है कि रिएक्शन, न्यूक्लियर रिएक्शन इज कैरिड आउट एट वेरी वेरी हाई टेम्परेचर। मीन्स हम उससे टेम्परेचर नहीं देते, बिकॉज ऑफ न्यूक्लियर फिशन और फ्यूजन huge amount of energy is released, तो वहां उस energy को control करने के लिए, उस temperature को control करने के लिए हम heavy water use करते हैं। And secondly, अब सोचो ये एक isotope है जिसके बारे में हम समझ सकते हैं hydrogen से थोड़ा अलग होता है, to study mechanism of exchange materials, exchange reaction sorry, जिसमें exchange होगा। जैसे कि simple example है photosynthesis। तो photosynthesis में क्या होता है, plant जमीन से water लेता है और plant photosynthesis करता है, but हमें कैसे पता चलेगा कि plant में कौन से region में photosynthesis होता है। हम लोग जानते हैं कि plant के leaves में photosynthesis होता है, chloroplast में chlorophyll होता है वो photosynthesis करवाता है, but आपको पता कैसे चलेगा कि क्लोरो लीव्स में ही फोटोसिंथेसिस होगा, बाकी पार्ट में फोटोसिंथेसिस नहीं होता। तो वहां पर हम क्या करते हैं, जो वाटर हम यूज करेंगे वहां पर हम हैवी वाटर यूज करते हैं और हैवी वाटर हम इंजेक्ट करते हैं प्लांट में। प्लांट क्या करता है, फिर वो हैवी वाटर को हम डिटेक्ट करते हैं कि कहां कहां पर गया, उससे फिर हमें पता चलेगा कि वो लीव्स में गया, लीव्स में जाने के बाद उसने फोटोसिंथेसिस, क्लोरोप्लास्ट में गया, क्लोरोप्लास्ट में हमको वी गेट द ट्रेसेस ऑफ दिस ड्यूटेरियम, इस ड्यूटेरियम के हमको ट्रेसेस मिलेंगे और एक्चुअल फोटोसिंथेसिस का जो पाथ होता है, जैसे नीट में
जो बायो के बच्चे हैं वो जानते हैं फोटोसिंथेसिस का पूरा पाथ उन्हें पढ़ना पड़ता है, हाउ इट स्टार्ट्स, किस तरीके से वो स्टार्ट होता है, किस तरीके से वो ट्रांसफर होता है, कौन से सेल में क्या रिएक्शन होती है, क्या कन्वर्शन होता है, हाइड्रोजन का कन्वर्शन किस में होता है, वो सारे डिटेल्स आपको पढ़ना होता है। तो वो कन्वर्शंस के रिएक्शन, ये तो मैंने एक फोटोसिंथेसिस का एग्जांपल बताया था। बहुत सारी अलग अलग रिएक्शंस को भी स्टडी करने के लिए हम ड्यूटेरियम का यूज करते हैं, ड्यूटेरियम इन द फॉर्म ऑफ हैवी वाटर। तो ड्यूटेरियम डायरेक्ट नहीं यूज कर सकते, हैवी वाटर के फॉर्म में यूज करते हैं। तो यहां हुआ हमारा प्रिपरेशन ऑफ हैवी वाटर एंड द यूजेस ऑफ हैवी वाटर। अब हम चलते हैं कि इसे इसकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज जिसका भी यूज है, ये सब भी यूजेस में ही आएंगे हमारे। देखो, वी यूज दिस हैवी वाटर फॉर प्रिपरेशन ऑफ प्रोडक्ट्स कंटेनिंग ड्यूटेरियम। ऐसे प्रोडक्ट्स जिसमें ड्यूटेरियम मिले, मतलब नॉर्मल हमें ड्यूटेरियम का प्रोडक्ट नहीं मिलता, जैसे कि यहां पर फर्स्ट रिएक्शन देखो, कैल्शियम कार्बाइड CaCO2 प्लस हैवी वाटर गिव्स इथाइन। इथाइन मतलब बच्चों यहां पर क्या होगा, देखो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड एंड यहां पर डी, यहां पर डी, एक्चुअल में यहां पर हाइड्रोजन हम लिखते हैं C2H2 लिखते हैं बच्चों, इथाइन आपको पता है, बस H की जगह पर D लिखा है, तो ये हैवी इथाइन इसको बोल सकते हो आप। तो इथाइन इन विच ड्यूटेरियम इज प्रेजेंट, इसके साथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दिस इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लेकिन D लिखा है बिकॉज ऑफ ड्यूटेरियम, तो ये हुआ हैवी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या आपको बात समझ में आ रही है कि ड्यूटेरियम से रिलेटेड प्रोडक्ट्स अगर हमें बनाना है तो वी यूज हियर हैवी वाटर, हैवी वाटर यूज करके हम ये प्रोडक्ट्स बनाते हैं। सेकेंड रिएक्शन SO3 plus heavy water gives D2SO4. D2SO4 मतलब H2SO4, you know, sulfuric acid. तो ये हुआ heavy sulfuric acid. Heavy sulfuric acid बनाने के लिए हम heavy water को use करते हैं बच्चों. Then finally Al4C3 plus 12D2O मतलब heavy water के साथ reaction करेंगे aluminium carbide की. तो क्या होगा? हमारे पास मिलेगा methane जिसमें deuterium होगा, heavy मीथेन बोल सकते हो, और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बनेगा जिसमें भी ड्यूटेरियम होगा, जिसे भी हम हैवी एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड कहेंगे। तो यहाँ पर हमने पढ़ा ड्यूटेरियम के बारे में, उसके प्रिपरेशन के बारे में, उसके यूजेस के बारे में एंड फाइनली उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। यहाँ पर हमारा ड्यूटेरियम का भी टॉपिक कंप्लीट होता है। अब बस एक लास्ट पॉइंट है, डाइहाइड्रोजन एज अ फ्यूल एंड हाइड्रोजन इकोनॉमी। तो पहले इसको कंप्लीट करते हैं, इसको जल्दी से लिख लो, देन विल टॉक अबाउट द डाइहाइड्रोजन एज फ्यूल एंड लास्ट टॉपिक हमारा हाइड्रोजन इकोनॉमी। तो दो टॉपिक बचे, जल्दी से इसको नोट करो स्टूडेंट्स। सो हैवी वाटर के बारे में हमने डिस्कस कर लिया, अब हम बात करते हैं डाइहाइड्रोजन एज अ फ्यूल। बच्चों हमने डाइहाइड्रोजन के बारे में तो डिटेल में पढ़ा था कि क्या होता है डाइहाइड्रोजन, का स्ट्रक्चर एंड उसकी प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी एंड यूसेस। बट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आज की डेट में जो हम फ्यूल यूज करते हैं इट इज नॉन रिन्यूएबल, जैसे कि कोल है, पेट्रोल है, डीजल है, तो ये सब जितने भी हम फ्यूल यूज करते हैं वो नॉन रिन्यूएबल है और कभी ना कभी इन फ्यूचर खत्म हो सकते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं कि वी आर ट्राइंग टू मेक न्यू fuels, we are trying to find new fuels which can replace petrol, which can replace coal, which can replace the non-renewable resources. तो बच्चों यहाँ पर एक बहुत important रोल प्ले करता है डाइहाइड्रोजन, बिकॉज डाइहाइड्रोजन बिल्कुल मतलब पेट्रोल से भी ज्यादा एक्सप्लोसिव बोल सकते हो, कंबस्टिबल बोल सकते हो। हमने पहले ही बताया था हाइड्रोजन का पॉप साउंड टेस्ट होता है, तो यहां पर डाइहाइड्रोजन इज वेरी वेरी गुड एज अ फ्यूल। क्यों? हम उसके एडवांटेजेस उसके डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं बच्चों। सबसे पहला मैंने यहां लिखा है हाइड्रोजन गैस रिलीजेस 143 किलो जूल पर ग्राम। तो एक ग्राम में इट रिलीजेस 143 किलोजूल ऑफ एनर्जी, दैट इज 3 times द पेट्रोल व्हेन कंबस्टेड। तो अगर पेट्रोल का 1 gram कंबस्ट करोगे तो 40 to 50 किलोजूल पर ग्राम मिलता है। तो एज कंपेयर टू पेट्रोल हाइड्रोजन 3 times बाय मास, याद रखना ये सिचुएशन बाय मास में होगी। अगर हम बाय वॉल्यूम या फिर बाय अदर मोल में बात करेंगे तो पेट्रोल आगे है, ठीक है। बाय मोल बाय वॉल्यूम पेट्रोल गिव्स मोर एनर्जी, बाय मास हाइड्रोजन मतलब डाइहाइड्रोजन रिलीजेस मोर एनर्जी एज कंपेयर टू पेट्रोल। ओके, सो दैट इज 143। ये पॉइंट थोड़ा सा मतलब ये डाटा थोड़ा याद कर लो, आपको टेबल में तो बहुत सारे डाटा दिए हैं बट दिस इज वन ऑफ द मोर इंपॉर्टेंट डाटा। देन अब हम कहेंगे कि why we can use the dihydrogen as a fuel, what is the advantages of dihydrogen? तो इसमें हम सबसे पहले बोलेंगे release huge amount of energy। तो बच्चों फ्यूल का काम क्या होता है? एनर्जी प्रोड्यूस करना, एनर्जी प्रोवाइड करना। तो हियर हाइड्रोजन रिलीज ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी, तो पहला काम तो हो गया। डू नॉट प्रोड्यूस कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन
डाइऑक्साइड। देखो बच्चों, जब हम हाइड्रोजन को कंबस्ट करेंगे तो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन इट विल फॉर्म वाटर, तो हमें कोई भी हार्मफुल इफेक्ट नहीं होता यहां पर। तो यहां पर आपको ध्यान रखना होगा कि व्हेन वी कंबस्ट हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से जो प्रोडक्ट मिलेगा वो वाटर है, और वाटर हमारे लिए बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है क्योंकि लोगों को वाटर की कमी है। सो वाटर इज अ गुड, मतलब नॉट अ पोल्यूटेंट, वाटर एक पोल्यूटेंट नहीं है। देन इस वजह से जो आज हम फ्यूल यूज करते हैं, दे आर प्रोड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। दिस कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड आर द मेन रीजन फॉर ग्लोबल वार्मिंग एंड लॉट ऑफ डिफरेंट पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन है, बाकी पोल्यूशन के वजह के लिए भी ये रीजन, एसिड रेन के लिए रीजन है, बहुत सारे चीजों के लिए रीजन है। देन नेक्स्ट थर्ड पॉइंट आई विल से ग्रीनर फ्यूल देन अदर फ्यूल्स। ग्रीनर फ्यूल्स बिकॉज ऑफ इट इज प्रोड्यूसिंग नॉन पोल्यूटेंट substance, it is giving more energy. And fourth point मैंने लिखा है, pollutants are lesser than पेट्रोल। तो पेट्रोल से कम पोल्यूटेंट रिलीज करता है। अब मैंने लेस इसलिए लिखा है कि अब देखो हाइड्रोजन है, डाइहाइड्रोजन है, हम उसको जला रहे हैं तो कोई ना कोई पोल्यूशन तो होगा, कुछ ना कुछ तो पोल्यूशन होने ही वाला है। जीरो पोल्यूशन किसी में भी नहीं होता, ऐसी कोई चीज नहीं है जिसमें जीरो पोल्यूशन हो। अब आप बोलोगे इलेक्ट्रिक व्हीकल में हम जीरो पोल्यूशन करते हैं बच्चों, लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल को चार्ज करने के लिए आप घर की इलेक्ट्रिसिटी यूज करोगे या फिर कोई ना कोई इलेक्ट्रिक सप्लाई यूज करोगे। वो इलेक्ट्रिक सप्लाई कहां से आया है बच्चों? थर्मल पावर प्लांट से इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है आपको, तो आपने इनडायरेक्टली तो कोल बर्न किया ही। अगर आप सोलर पैनल यूज करते हो इलेक्ट्रिसिटी के लिए, तब जाकर थोड़ा सा बोल सकते हो कि वो पॉजिटिव डायरेक्शन होगा। लेकिन सोलर पैनल बनाते वक्त भी जो इंडस्ट्री में सोलर पैनल बना होगा, वहां पर भी बहुत सारी एनर्जी लगी होगी, वहां पर भी एनर्जी कंज्यूम हुई होगी पहले, तो कुछ ना कुछ तो परसेंटेज पोल्यूशन होता ही है। तो ये हुए हमारे एडवांटेजेस फॉर फ्यूल, डाइहाइड्रोजन एज अ फ्यूल। अब बात करते हैं कि इसकी डिसएडवांटेजेस क्या है। अब आप बोलोगे सर हाइड्रोजन इतना अच्छा फ्यूल है तो हम हाइड्रोजन क्यों नहीं यूज करें? देखो बच्चों, हाइड्रोजन हम यूज तो कर सकते हैं। सबसे पहला प्रॉब्लम है कि हाइड्रोजन एक बहुत ज्यादा एक्सप्लोजिव सब्सटेंस है, तो उसको स्टोर करना बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, स्टोरेज इसका इशू है। और दूसरा इसका एक इशू है कि हाइड्रोजन में कभी कभी डाइनाइट्रोजन प्रेजेंट होता है उसके साथ इंप्यूरिटीज में, तो डाइहाइड्रोजन क्या करेगा? देखो पोल्यूटेंट्स एज ऑक्साइड्स, pollutants of oxides of dinitrogen due to impurities of dinitrogen with dihydrogen। मतलब यहाँ पर जब hydrogen combust होगा बच्चों, hydrogen के साथ में nitrogen भी reaction करेगा और nitrogen के भी products मिलेंगे, मतलब water तो बनेगा ही, plus NO2 या other NOx gases भी produce हो सकते हैं। तो यहाँ पे NOx gases produce होंगे, NOx gases are also responsible for acid rain बच्चों। तो अगर dinitrogen present है हमारे cylinder में जहाँ पे hydrogen present है, क्योंकि जब हम dihydrogen बनाएंगे तो उसके साथ थोड़ा ना थोड़ा डाइनाइट्रोजन आएगा। अब बच्चों बताओ मुझे कि हाइड्रोजन हम कैसे बनाएंगे? बहुत सारे अलग अलग तरीके होते हैं, हमने प्रिपरेशन देखा, तो वहां पर डाइनाइट्रोजन भी आ जाएगा और डाइनाइट्रोजन नॉक्स बनाएगा। नॉक्स इज द मेन रीजन फॉर एसिड रेन एंड फॉर डिफरेंट डिसीजेस, अस्थमा एंड लॉट ऑफ डिसीजेस। तो ये एक प्रॉब्लम हो गया, तो उसको बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? इट कैन बी रिड्यूस बाय एडिंग वाटर। तो हम क्या करते हैं, सिलेंडर में पानी को ऐड कर देंगे, विच विल रिड्यूस द टेम्परेचर, उस सिलेंडर का टेम्परेचर कम करेगा एंड prevent the reaction। तो उसमें जो नाइट्रोजन की रिएक्शन है, ये नाइट्रोजन को ऑक्साइड के साथ रिएक्ट नहीं होने देगा पानी। टेम्परेचर अगर कम हो गया तो रिएक्शन नहीं होगी, लेकिन सोचो हाइड्रोजन तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, कंबशन तो होने वाला है, टेम्परेचर भी बढ़ेगा, आप उसको बहुत ज्यादा कम नहीं कर सकते। तो ये एक मेजर प्रॉब्लम है। और दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम बच्चों की हाइड्रोजन एक एक्सप्लोजिव है, तो उसे स्टोर करना बहुत ही ज्यादा रिस्की है। जैसे कि हम पेट्रोल स्टोर कर सकते हैं, कोल स्टोर कर सकते हैं, वैसे हम हाइड्रोजन को स्टोर नहीं कर सकते बच्चों। केरोसिन भी हम स्टोर करते हैं, लेकिन हाइड्रोजन हम स्टोर करेंगे तो वो एक चलता फिरता बॉम्ब बन जाएगा। अगर गलती से कोई एक्सीडेंट हो जाए तो बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हो सकता है। उसमें और भी इशूज है, एक्सप्लोजिव तो एक इशू है, प्लस साथ में और इशूज क्या है? पहला इशू है कि इट वेज 30 टाइम्स एज पेट्रोल फॉर सेम एनर्जी। मतलब मुझे पेट्रोल जितना लगता है, सपोज मुझे आज 10 किलोमीटर गाड़ी चलाना है, तो मुझे जितना पेट्रोल लगेगा उससे 30 टाइम्स वेट मुझे हाइड्रोजन कैरी करना पड़ेगा। तो अगर 1 केजी पेट्रोल में मैं 10 किलोमीटर ट्रैवल करता हूं तो 30 केजीस हाइड्रोजन मुझे लगेगा 10 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। दूसरा प्रॉब्लम है कि टू कन्वर्ट इट इनटू लिक्विड फॉर्म, मतलब हाइड्रोजन को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए वी रिक्वायर 20 केल्विन। बच्चों 20 केल्विन मतलब कितना हो गया? -2 कितना होगा? 273 माइनस करो, -250 केल्विन, -250 डिग्री सेल्सियस। सोचो -100 डिग्री सेल्सियस में क्या हो जाता है, और -250 डिग्री सेल्सियस हमको बनाना पड़ता है फॉर लिक्विड हाइड्रोजन, जो कि फिजिबल नहीं है। पहला तो फिजिबल, मतलब फिजिबल नहीं है, इसका मतलब कि प्रैक्टिकल नहीं है।
हमारे एक्सपेरिमेंटल पर्पस के लिए वी डू दिस प्रोसेस, बट रियल लाइफ में हम 20 केल्विन का हाइड्रोजन कहां स्टोर करेंगे बच्चों? उसके लिए टैंक कैसा होगा? हम फ्रीज में नहीं रख सकते, फ्रीज का टेम्परेचर -5 तक जाता है, उसके नीचे नहीं जाता, -250 कहां रखेंगे? तो स्पेशल टैंक्स बनाने पड़ते हैं जिसमें 20 केल्विन रहे। तो दैट टैंक्स आर मेड फ्रॉम अलॉयज दैट सोडियम के अलॉय है, टाइटेनियम के अलॉय है, मैग्नीशियम मेटल के अलॉय है। तो ये सारे एग्जाम NaNi5, TiTiH2, MgMgH2 ये सब अलॉय यूज करके छोटी छोटी क्वांटिटी में लिक्विड हाइड्रोजन स्टोर किया जाता है, बट ये फिजिबल नहीं है। तो आज की डेट में हाइड्रोजन को फ्यूल एज अ फ्यूल यूज करना इज अ बहुत इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टास्क एंड लॉट ऑफ रिसर्च इज गोइंग ऑन द टॉपिक। ठीक है, तो इसमें सभी लोग काम कर रहे हैं, लॉट ऑफ पीपल आर वर्किंग। विल टॉक कि आज की डेट में अब एज अ डायरेक्ट हाइड्रोजन डाइहाइड्रोजन हम यूज नहीं कर सकते, तो डाइहाइड्रोजन की जगह हम किस तरीके से हाइड्रोजन को यूज करते हैं वो हम पढ़ेंगे हाइड्रोजन इकोनॉमी में। पहले इसको नोट करो एंड देन विल टॉक अबाउट हाइड्रोजन इकोनॉमी। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो हमारा चैप्टर का लास्ट टॉपिक दैट इज हाइड्रोजन इकोनॉमी। बच्चों हाइड्रोजन इकोनॉमी मतलब, देखो इकोनॉमी मतलब क्या होता है कि जो हमारा पैसे का ट्रांजेक्शन होता है उसे हम इकोनॉमी कहते हैं। कि एक पर्सन चीज खरीदता है, जैसे कि अगर मैं ये पेन खरीदने गया तो मैं पेन खरीदूंगा शॉपकीपर से, मैं पेन खरीदूंगा तो मैंने पैसे शॉपकीपर को दिए, वो पैसे शॉपकीपर ने पेन किसी से खरीदा होगा, वो पैसे शॉपकीपर ने अपने होलसेलर को दिया होगा, होलसेलर ने इंडस्ट्री को दिया होगा, ऐसे करते करते और इंडस्ट्री वाले ने गवर्नमेंट को टैक्स दिया होगा, तो गवर्नमेंट के पास पैसे है। और मेरे पास पैसे कैसे आया? मैंने कुछ काम किया, मुझे गवर्नमेंट से पैसे मिले। तो ये साइकिल चलते रहता है, इसे हम हाइड्रोजन इसे हम नॉर्मल इकोनॉमी कहते हैं। तो जितनी भी इकोनॉमीज होती है ज्यादातर इकोनॉमी गोल्ड पर या फिर फ्यूल पर डिपेंड करती है, क्योंकि हमारी इकोनॉमी, हमें फ्यूल तो खरीदना ही होता है। देखो बच्चों, हम बिना फ्यूल के तो नहीं जी सकते, खाना तो है, खाना पानी तो अलग पार्ट है, बट फ्यूल भी एक इंपॉर्टेंट प्ले रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में। सो हाइड्रोजन इकोनॉमी का मतलब होता है कि अब तक हम जितने भी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज यूज करते थे, कोल, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ये सब हम यूज करते थे, उसकी जगह पर अगर हम हाइड्रोजन यूज करें तो क्या प्लस पॉइंट है, क्या माइनस पॉइंट है, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हाइड्रोजन इकोनॉमी का मतलब ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डाइहाइड्रोजन इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो क्या होता है हाइड्रोजन इकोनॉमी में? अब हमने देखा डाइहाइड्रोजन को हम स्टोर नहीं कर सकते, सो व्हाट वी डू, हम डाइहाइड्रोजन को एक अलग फॉर्म में, या तो सॉलिड फॉर्म में, या तो लिक्विड फॉर्म में, या फिर गैस के फॉर्म में, गैस के फॉर्म में तो नहीं ट्रांसफर करते लेकिन लिक्विड और सॉलिड के फॉर्म में ट्रांसफर करते हैं। एंड व्हाट वी गेट, वहां पर हमें डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट मिलते हैं। सो हम डाइहाइड्रोजन को डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में ट्रांसफर कर सकते हैं, सॉलिड के, लिक्विड के। कैसे? एग्जांपल के तौर पे देखो, हाइड्रोजन को हम गैस फॉर्म में स्टोर नहीं कर सकते लेकिन हम हाइड्राइड के फॉर्म में, जैसे कि हमने देखा था हाइड्राइड, हाइड्राइड्स के फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में स्टोर करते हैं। मतलब हाइड्रोजन को हम पहले कन्वर्ट कर देते हैं, जैसे हमारे पास हाइड्रोजन है तो हम हाइड्रोजन को हम हाइड्राइड्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, और इस हाइड्राइड को, ये हाइड्राइड एक्सप्लोसिव नहीं होता, ये हाइड्रोजन एक्सप्लोसिव है लेकिन ये सॉलिड हाइड्रोजन इज नॉट एक्सप्लोसिव। इसको फिर हम किसी भी फॉर्म में, जैसे कोल ट्रांसफर करते हैं वैसे हम ट्रांसफर करेंगे, और जहां हमें हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट है उसे हम वहां ट्रांसपोर्टेशन करेंगे। ट्रांसपोर्ट करने के बाद क्या होगा, जहां भी हमें हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट है हम हाइड्राइड्स को, हम हाइड्राइड्स को कन्वर्ट करेंगे हाइड्रोजन में। कैसे कन्वर्ट करेंगे बच्चों? सिर्फ पानी में ऐड करना होता है हमें। हमने हाइड्राइड्स की रिएक्शन देखी, मेटल हाइड्राइड्स, यू नो मेटल हाइड्राइड्स को जस्ट पानी में ऐड कर दो, हाइड्रोजन गैस मिलेगा और डायरेक्टली हाइड्रोजन एज अ फ्यूल हम यूज कर सकते हैं। तो ये एक प्रॉब्लम हमारा बच गया कि जो हमारा हाइड्रोजन का स्टोरेज था वो प्रॉब्लम बच गया। जब हमें जितना हाइड्रोजन लगता है उतना हम हाइड्रोजन यूज करेंगे और उस व्हीकल को हम यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे हम गाड़ी में डाइहाइड्रेट डालेंगे, पानी का टैंकर होगा, उसमें डाइहाइड्रेट ऐड करते जाएंगे, हाइड्रोजन बनते जाएगा और हमारी चलेगी। जितना हमें व्हीकल चलाना है उतना हम डाइहाइड्रोजन ऐड करते जाएंगे, उतना हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगा और वो हाइड्रोजन पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा, मतलब स्टोर करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लिक्विड फॉर्म में भी, तो लिक्विड फॉर्म में देखो मिथेनॉल है, इथेनॉल है, मतलब हम लोग दिस हाइड्रोजन कैन बी कन्वर्टेड इनटू मिथेनॉल और इथेनॉल, इसे हम मिथेनॉल या फिर इथेनॉल के फॉर्म में, इथेनॉल के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। एंड इस मिथेनॉल और इथेनॉल को पेट्रोल की तरह ट्रांसपोर्ट किया जाता है, दिस कैन बी ट्रांसपोर्टेड इन द फॉर्म ऑफ पेट्रोल, जैसे पेट्रोल ट्रांसपोर्टेशन है वैसे ही ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है इसको टैंकर्स में। एंड जहां भी हमें इसकी रिक्वायरमेंट है, हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट है, वहां हम क्या करेंगे, इस मिथेनॉल
मेथेनॉल या फिर इथेनॉल को कन्वर्ट कर लेंगे हमारे हाइड्रोजन के फॉर्म में। वहां पर वापस हम रिएक्शन करके हम इसको हाइड्रोजन के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, या फिर डायरेक्टली हम इथेनॉल और मिथेनॉल को भी यूज करते हैं। इस मतलब जहां पे मिथेनॉल और इथेनॉल यूज किया जाता है उसे एक इथेनॉल इकोनॉमी भी कहा जाता है बच्चों। एक्चुअली हमारे चैप्टर हाइड्रोजन के ऊपर है इसलिए हम इसके बारे में नहीं बात करेंगे, बट इसे हम इथेनॉल इकोनॉमी भी कहते हैं। अगर आपको इसके बारे में जानना है तो यू कैन सर्च अबाउट इथेनॉल इकोनॉमी बच्चों। बट इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर इज दैट वी आर टॉकिंग अबाउट डाइहाइड्रोजन एंड डाइहाइड्रोजन एज अ फ्यूल एंड ठीक है। तो इसका एक एग्जांपल भी है कि इन अक्टूबर 2015 इंडिया ने क्या किया था कि एक पायलट प्लांट स्टार्ट किया है जहां पर हम डाइहाइड्रोजन को सीएनजी के साथ, सीएनजी मींस कॉम्प्रेस नेचुरल गैस के साथ मिक्स करके फोर व्हीलर में यूज किया जाता है। तो सीएनजी यू नो कॉम्प्रेस नेचुरल गैस, वहां पर हम क्या करते हैं कि 5% हाइड्रोजन को मिक्स करके व्हीकल्स में फोर व्हीलर्स में यूज करते हैं और एज अ फ्यूल यूज किया जाता है। ठीक है बच्चों, एंड लास्टली इसका एडवांटेजेस क्या है, व्हाट इज द एडवांटेजेस ऑफ हाइड्रोजन इकोनॉमी। दैट फर्स्ट वन, जो हम एनर्जी ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में नहीं कर रहे, या तो हाइड्रोजन के फॉर्म में या फिर मिथेनॉल के फॉर्म में, हाइड्रेट्स के फॉर्म में ट्रांसफर कर रहे हैं। जब हम इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफर करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, रिड्यूस होती जाती है, मतलब डेसिपेट होती जाती है और इलेक्ट्रिसिटी की क्वांटिटी कम होती जाती है। बट हाइड्रोजन की क्वांटिटी कम नहीं हो सकती, मास कभी चेंज नहीं होता, लॉसेस नहीं होते, बहुत कम लॉस होते हैं एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रिसिटी। एंड फाइनली इसका एडवांटेजेस हम यूज करते हैं हाइड्रोजन इकोनॉमी को इन अ फ्यूल सेल। तो फ्यूल सेल के बारे में बच्चों हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में डिटेल में पढ़ते हैं व्हाट इज फ्यूल सेल, हाउ इट इज यूज। बट इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखो कि जैसे कि हमारा एक बैटरी है, यू नो बैटरी और सेल, उसमें हमें क्या करना होता है कि उसमें हम लोग हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ऐड करते हैं। मतलब वो बैटरी में हमें क्या ऐड करना पड़ता है, हाइड्रोजन इसका फ्यूल होता है और ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन यू नो हमें एयर से मिल जाएगा और इसमें से हमें मिलती है इलेक्ट्रिसिटी, व्हाट वी गेट हियर फ्रॉम हियर इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। और जो इसका बाय प्रोडक्ट होता है, बाय प्रोडक्ट में हमें यहां मिलता है वाटर। तो ये जो फ्यूल सेल है इट इज यूज्ड बाय एस्ट्रोनॉट। ये क्या होता है, स्पेस के जो एस्ट्रोनॉट होते हैं वो इस फ्यूल सेल को लेके जाते हैं। क्यों, अब सोचो इतने सालों के लिए जाते, एक साल के लिए जाते, तो पानी कहां से लेके जाएंगे? एस्ट्रोनॉट लोग पानी का टैंकर तो नहीं भर के लेके जाएंगे, पानी के टैंक भर के तो नहीं लेके जा सकते ना। तो वो फ्यूल सेल लेके जाते हैं जहां पर उनका फ्यूल सेल में हाइड्रोजन भी होता है और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन करके प्योर वाटर मिलता है, जो ड्रिंकेबल वाटर होता है, उस तरीके का फ्यूल सेल डेवलप किए जाते हैं। एंड वही फ्यूल सेल इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस करता है, तो उनके स्पेसशिप के इलेक्ट्रिसिटी का भी काम हो जाता है और पानी का भी काम हो जाता है, दोनों काम एक साथ हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो यहां पर हमने हाइड्रोजन इकोनॉमी के बारे में डिस्कस किया। इस फ्यूल सेल के बारे में हम डिटेल में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे, इसलिए यहां पर ज्यादा डिटेल नहीं बताया, बेसिक डायग्राम बताया कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल होते हैं, वाटर बाय प्रोडक्ट मिलता है और इलेक्ट्रिसिटी हमारा मेन प्रोडक्ट होता है। ठीक है बच्चों, तो यहां पर हमारा फाइनली हाइड्रोजन चैप्टर खत्म हुआ। इसके बाद हम देखते हैं कौन सा चैप्टर, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड स्टार्ट करेंगे मोस्टली। बट यहां तक आप कंप्लीट करो, नोट्स कंप्लीट करो, कुछ डाउट है तो कमेंट में बताओ। और अगर मतलब लास्ट आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे एंड सबके साथ शेयर करेंगे। ठीक है बच्चों, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।